बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे मेल का प्रपोज़ल लेकर आई हूं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं इस वजह से कि उनके वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो आइए मैं आपको इनकी डिटेल दे देती हूं और वीडियो में इनका नंबर मौजूद है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी डिटेल की जानिब। अच्छा, नाम है इनका शफ़ी मोहम्मद। कास्ट की बात की जाए तो बलोच इनकी ज़ात है। एज इनकी है 50 साल। और हाइट की बात की जाए तो 5'4" इनकी हाइट है। मज़हब इस्लाम है और फ़िक्का सुन्नी। अब ये क्या काम करते हैं ये बता देती हूँ। तो ये मिस्त्री हैं, ये जो घर वगैरह जो बनाते हैं ना वो। और ये मंथली कमा लेते हैं 80,000 तक कमा लेते हैं। अपना घर बार है इनका और इनकी रिहाइश है कराची के रहने वाले हैं ये। कराची में इनका अपना ज़ाती घर है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो वो शादी करना चाहते हैं किसी गरीब घराने में किसी अच्छी खातून से। तो आइए मैं आपको इनकी अब रिक्वायरमेंट भी बता देती हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, तो चलिए बढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की जानिब कि इनको किस टाइप की लेडी चाहिए, क्या क्या इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखवाई है इस हवाले से। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि लड़की की एज तकरीबन 35 से 45 साल के दरमियान हो, इससे अबव ना हो, और सुन्नी हो। रहने वाली कहाँ की हो, तो उन्होंने कहा है कि अगर कराची से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर कराची से नहीं है और पूरे पाकिस्तान में कोई भी लेडी या उनके घर वालों को ये प्रपोज़ल अच्छा लग रहा है अपनी बहन या बेटी के लिए, या वो लेडीज़ भी जो इंडिपेंडेंट हैं और उनको ये अच्छा लग रहा है प्रपोज़ल, तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर जो है उनका वीडियो में मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्टेटस क्या हो, कोई भी ऐसी लेडी जो खुला याफ्ता है, तलाक़ याफ्ता है, बेवा है, तो वो इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और उसके बाद हाइट की बात की जाए तो उन्होंने कहा हाइट नॉर्मल होनी चाहिए और तालीम थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, अगर कम पड़ी हुई है तो भी चलेगा। और कास्ट की बात की जाए तो कास्ट कोई भी हो, कास्ट का भी कोई इशू नहीं है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हो जाएं या किसी गरीब फैमिली से हो जाए, बस अच्छी लेडी होनी चाहिए, नमाजी हो, परहेजगार हो, पर्देदार हो और घर बनाने वाली हो, बस ऐसी कोई लेडी मिल जाए तो बहुत है। और जहेज़ वगैरह की कोई डिमांड नहीं है उनकी, उन्होंने कहा जहेज़ नहीं चाहिए, बस एक अच्छे ख़ानदान से एक लेडी चाहिए। तो वो लेडीज़ जिनको ये प्रपोज़ल अच्छा लग रहा है, तो मैं इनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट के लिए नंबर वीडियो में मौजूद है, आसानी से इनसे रابطہ कीजिए। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग जो शादी करना चाहते हैं और उन्हें रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना फॉर्म इनकी तरह यूट्यूब पर लगवाएँ, फिर देखिए आपको घर बैठे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते खुद ब खुद मिलते हैं। तो इसके साथ ही अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक न्यू प्रपोज़ल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।